हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। आई एम अ लेक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट एंड आर टॉपिक इज 8085 पिन कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिन डाइग्राम को देखा था, कैसा होता है, 40 पिन्स होती थी उसकी, ठीक है। अब क्या है, आज हम उसकी 40 की 40 पिन्स को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या किसका क्या फंक्शन है। पहले तो हम पिन डाइग्राम को देखते हैं वो कैसा था। ये रहा हमारा पिन डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी 1 to 40 पिन्स है। जो हमारी 1 और 2 है उसको हम कह देते हैं क्रिस्टल इनपुट, हमारी थर्ड को कह देंगे, थर्ड पिन को रीसेट, ठीक है, रीसेट आउट। हमारी 4th और 5th को करेंगे सीरियल इनपुट आउटपुट, 6th हमारी ट्रैप होगी। और क्या है, हमारे जितने भी जो हमारे 6th से लेके 11 वो सारे हमारे इंटरप्ट्स हैं। फिर हमारे 12th से लेके 19 तक वो क्या है, AD0 से लेके AD7 है, उसे हम कह देंगे ड्रेस डाटा बस, ठीक है। अब हम हमारी जो 20th है वो हमारी ग्राउंड की गई है, 20th पिन हमारी क्या है, ग्राउंड की गई है। अब आ जाते हैं 11 to 28, ये हमारी होगी A8 से लेके A15, ये हमारी होगी ड्रेस बस। फिर हमारी 29 से 40 तक हमारी जो जाएंगी वो होगी टाइम एंड कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। हर एक के अपने अपने नाम उनको दिए हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल इनपुट्स क्या होती हैं, पिन 1 और पिन 2 क्या है। अब क्या आ गया, X1 X2 क्या है, एक तरह के ये जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है एक्सटर्नली, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल क्रिस्टल कह देते हैं। ये मोस्टली हमने यूज़ किए हैं LC एंड और RC ओसिलेटर्स की, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वाले ओसिलेटर हमने यूज़ किए हैं। दीज पिन आर यूज टू ड्राइव इंटरनल क्लॉक जनरेटर्स। ये पिन्स क्या काम करती है, इंटरनली क्लॉक को जनरेट करने का काम करती है। विच प्रोसीड करती है सुटेबल क्लॉक फॉर दी ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो आपका है, इसमें जो उसकी पावर है, जनरेशन जनरली क्रिस्टल जो ऑसिलेटर है वो है 6 MHz का हमने यूज़ किया है, ठीक है, 8085 में हमने। बट जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है 8085 में, वो ऑपरेट करता है 3 MHz को भी, ठीक है। ये क्या है, इंटरनली डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट्स में। रीसेट आउट में क्या आ गया, जो थर्ड पिन है, रीसेट आउट इज़ द एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल। ये क्या, एक तरह की एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है। ये क्या है, जो भी है आपका CPU, जो भी इसमें क्या है, रीसेट का ये काम करेगी। द सिग्नल इज यूज बाई CPU टू रीसेट अदर डिवाइस कनेक्टेड टू इट। जो भी आपकी डिवाइस कनेक्टेड होगी इसको क्या है, रीसेट का काम करेगी। अब आ गया रीसेट, रीसेट इन, ठीक है। रीसेट इज़ द एक्टिव लो इनपुट सिग्नल। ये क्या था जो आपने इसमें पढ़ा, ये था रीसेट आउट इज़ द एक्टिव हाई। ये क्या है, रीसेट इज़ द एक्टिव लो इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। ये क्या है, इनेबल और होल्ड का हमारा काम करती है। वहाँ पे हेल्ड लिखा, वहाँ पे होल्ड आएगा, ठीक है। SID है हमारे पास सीरियल इनपुट डाटा। ये क्या है, सीरियल इनपुट डाटा। ये 4th पिन आपकी आ जाएगी, इज SID आपकी पिन है 4th, ठीक है। ये एक्टिव हाई का काम करता है। सीरियल इनपुट पोर्ट यूज टू सेपरेट सीरियल 1 बिट, ये हमेशा आपको सेपरेटली ही देगा 1 बिट का ही। फिर आगे SOD, वो हो गया सीरियल आउटपुट डाटा, ठीक है। ये एक्टिव हाई बिट ऑपरेट करता है, ठीक है। इसमें बने हुए हैं आगे आपके ट्रैप, आगे जो आपके इंटरप्ट्स थे, ठीक है। ट्रैप 1, इसकी पैरिटी हमेशा 1 रहेगी। रीसेट 7.5, 6.5 और 5.5, दे आर दी इंटरप्ट्स। ये जितने भी क्या है आपके इंटरप्ट्स हैं, व्हेन एंड इंटरप्ट कम माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका जो बना हुआ है इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिक्स पोजिशन लोकेशन इन द मेमोरी। आपका 1 है तो वो क्या है, यहीं पे ही स्टोर करेगा जो उन्होंने उनकी पोजिशन दी हुई है। ट्रैप इज़ अ नॉन मार्क्सेबल दैट इज कैन नॉट बी की पेंडिंग ऑन अदर आर मार्क्सेबल, ठीक है। जो भी चीज़, अगर कोई चीज़ दे कैन नॉट कीप कैप्ट पेंडिंग, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। INTR को हम कह दें, ये भी क्या है, ये काम करती है इंटरप्ट को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। इट इज़ द लो पैरिटी, ये लो एट पैरिटी होती है। द इंटरप्ट NR INTR इज़ द नेबल फॉर डिसेबल बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे आ गया अगला जो है INTA बार, उसको कहते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज। ये क्या काम करती है, ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट का वर्क करती है, वो उसमें रिक्वेस्ट भेजने का काम करती है, ये क्या एक्सेप्ट का काम करती है। फिर आगे हमारे एड्रेस और डाटा बसेस। दीज सिग्नल्स आर बाई डायरेक्शनली, दीज आर
दीज आर टाइम मल्टीप्लाइड एड्रेस एंड डाटा बस. ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल इट सर्व एज द लेटेस्ट सिग्निफिकेंट 8-bit ऑफ सीक्वेंस. ये हमेशा आपके 8-bit के होंगे. एड्रेस और इनपुट एड्रेस और इनपुट आउटपुट एड्रेस भी इसको बोल देते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, आपके दोनों आ जाएंगे एड्रेस और डाटा बस. आगे आगे ए वही आपको बता दिया क्या क्या है, A8 और A15. ठीक है, एड्रेस बसेस आ गई. ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, कैरी करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट 8-bit ऑफ मेमोरी एड्रेस और 8-bit ऑफ इनपुट आउटपुट एड्रेस. ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएगी. आगे आ गया एड्रेस लैच इनेबल का क्या काम होता है, ये क्या करता है, यूज़ करते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए. ठीक है, ये क्या हो गया, AD0 से लेके हमने AD7 तक ले लिया. ठीक है, इट बिकम हाई इज द फास्ट फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ ईच मशीन साइकिल. ये हमेशा हाईली वर्क करेगी. ठीक है, SI और S0 क्या होता है, देर आर द टू आउटपुट स्टेटस सिग्नल. ये क्या, दो तरह के आउटपुट स्टेटस हैं सिग्नल के माइक्रो प्रोसेसर में. दीज इंडिकेट रिड्यूस टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द माइक्रो प्रोसेसर. इन्होंने एक फोर एक बना दिया. अब देखो हमने इसमें देखा ये क्या, जब 00 होगा उसको हॉल्ट कह देंगे, 01 पे राइट करेगा, 10 पर रीड करेगा और 11 पे ऑपकैट इनेबल हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी जो S1 वाली पिन देख लेते हैं कौन सी थी. ये देखो S1 S2 S1 क्या है, 29 पिन है. S0 29 पिन है. S1 क्या है, 33. आप ये भी लिख सकते हो जो आपकी S1 पिन है उसको हमने जो क्या है एलोकेट किया हुआ है 29th पिन पे. ठीक है, फिर आ गया इनपुट आउटपुट मेमोरीज. ठीक है, वहाँ पे था ना, उसमें ये लिख देना इट इज़ एन आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है. ठीक है, इसमें ये भी बताया हुआ है, ये देख लो S1, इसमें 00 पे होल्ड कर दिया. अगर हमारा 0 है तो ये होगा 10 पे, 01 पे ये हमारा, ये सारा जो भी है आप ऐसे ही आप याद करोगे. ठीक है, फिर आ गया 14th रीड. 14th पिन नहीं है ये, जो आपकी रीड है यहाँ से आप देखोगे डायग्राम में वो है 32 पिन. ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्या है, रीड इज़ एन एक्टिव लो आउटपुट कंट्रोल सिग्नल व्हेन द सिग्नल ऑन इनपुट लो. ठीक है, द इंडिकेट दी, ये क्या है, हमेशा आपकी जो भी डाटा है उस चीज़ को रीड करेगा, रीड का काम करेगा. और दूसरा जो राइट है, राइट क्या करेगा, एक्टिव लो आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है. दोनों ही क्या है, एक्टिव लो ही है. ठीक है, व्हेन द सिग्नल ऑन इन द पिन इज लो, द सिग्नल ऑन है तो हमारी पिन इज लो, द इंडिकेट करेगा कंटेंट ऑफ द एड्रेस बस इज टू राइट द सिलेक्शन मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन पे. ठीक है, ये काम करेगा राइट का. रेडी, अब कोई भी चीज़ है वो क्या है, ये काम करेगा एक्टिव हाई इनपुट कंट्रोल सिग्नल. ये क्या है, इनपुट पे कंट्रोल सिग्नल पे वर्क करेगा, इनपुट पे ही आपका वर्क करेगा. ठीक है, इट इज़ द सिग्नल ऑन द पिन इज़ हाई. जब आपका क्या है, जब हमने सिग्नल को ऑन किया तो हमारी पिन क्या होगी, हाई. तो क्या होगा, CPU विल परफॉर्म डाटा ट्रांसफ़र. वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा अपना काम, क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए. ऐसे जब हमने सिग्नल को ऑन किया हुआ पर हमारी पिन क्या है, लो है, तो वो क्या करेगा, CPU विल वेट टिल द सिग्नल गोज हाई. वो वेट करेगा कब सिग्नल हम हाई करें. ठीक है, ये क्या है, रेडी का काम करता है. होल्ड एंड हेल्ड का क्या काम हो जाएगा, होल्ड इज एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल. होल्ड क्या है, एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल, एंड हेल्ड भी क्या है, एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है. दोनों में डिफरेंस है. होल्ड क्या है, एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल, इनपुट में वर्क करने के काम आता है, और वो दूसरा क्या है, आउटपुट के टाइम वर्क किया जाता है. बोथ आर इज इन यूज इन इम्प्लीमेंट DMA डाटा ट्रांसफर टेक्निक के लिए हम यूज़ करते हैं. अब आ गया आपका वही VCC, आपको पता है +5 हमने सिग्नल को पावर सप्लाई देनी है. VSS को हम कह देते हैं ग्राउंड रेफरेंस पिन है, हमने उसको ग्राउंड के लिए छोड़ा हुआ है. ये हमारा आज का टॉपिक था. ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का आ जाता है. पहले पिन डायग्राम बनाओ, पहले आप एक्सप्लेन करो कि क्या होता है 8085 पिन कन्फिग्रेशन, देन डायग्राम, फिर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे ऐसे. थैंक यू स्टूडेंट्स.